एक दिन आरव और उसकी दोस्त रिया जंगल में खेलने गए। अचानक उन्हें एक चमकता हुआ पत्ता मिला जो जादुई था। जैसे ही उन्होंने पत्ते को छुआ, वे एक रहस्यमयी दुनिया में पहुंच गए जहां पेड़ बात करते थे और जानवर गाने गाते थे। वहां उनकी मुलाकात एक शरारती खरगोश से हुई, जिसने उन्हें बताया कि अगर वे छुपे हुए खजाने को ढूंढ लें तो वे वापस अपने घर जा सकते हैं। आरव और रिया ने हिम्मत दिखाकर खतरों का सामना किया और खरगोश की मदद से खजाना ढूंढ निकाला। आखिरकार वे सुरक्षित घर लौट आए। सो हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस, आगे एक नए वीडियो के साथ। भाई जो भाई अभी को स्क्रीन पे कार्टून वीडियो देखे हैं, उस तरह का वीडियो कार्टून कैसे बनाओगे भाई, मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। फुल वीडियो फुल इन्फॉर्मेशन देने वाला इस वीडियो में, आप कैसे उस तरह का बना सकते हो, ठीक है। एक कार्टून वीडियो बिल्कुल फ्री में बताऊंगा आपको कैसे फ्री में बनाओगे आप, ठीक है। तो भाई मैं यहाँ पे चलता हूँ, वीडियो स्टार्ट करता हूँ। तो उससे पहले भाई आपको एक प्रॉब्लम आ रहा होगा भाई, कंसिस्टेंट करेक्टर का भाई, ठीक है। तो उसका बात मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा कैसे आप कंसिस्टेंट करेक्टर आप रख सकते हो अपने वीडियो कार्टून वीडियो में भाई, ठीक है। तो भाई यहाँ पे चलो मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। उससे पहले भाई देखो, एक आपको मतलब ऐप है वो चैट जीपीटी है, उसका नाम है, आप उसको डाउनलोड करोगे भाई गूगल, आपको यहाँ पे मिलेगा प्ले स्टोर भाई, ठीक है। तो मैं आज इसको गाइस ओपन करता हूँ। जो भाई स्टोरी मैं जनरेट करूँगा भाई, जनरेट करने के लिए मैं यहीं से स्टोरी जनरेट करने वाला हूँ, प्रॉम्प्ट इमेज के लिए यहीं से जनरेट करूँगा भाई, ठीक है। तो भाई मैं यहाँ पे आता हूँ इधर, और यहाँ पे जो मैंने अभी को जो अभी स्क्रीन पे देखे, तो वो वाला मैंने स्टोरी यहीं से जनरेट किया था भाई, ठीक है। ये वाला जो प्रॉम्प्ट भाई है, ये प्रॉम्प्ट क्या किस में काम आता है भाई, आपको यहाँ पे स्टोरी बनाकर दे देगा भाई, ठीक है। मेरा स्टोरी यहाँ पर बनाकर ये वाला प्रॉम्प्ट दे दिया है, और मैंने यहाँ पे भाई 100 वर्ड्स लिखा है, आपको यहाँ पे 200 वर्ड 300 वर्ड 400 वर्ड लिख सकते हैं भाई, ठीक है। और भाई ये वाला जो प्रॉम्प्ट है, ये आपको क्या करेगा, जो स्टोरी से मिलते जुलते आपको यहाँ पे प्रॉम्प्ट बनाकर देगा इमेज के लिए भाई, ठीक है। तो इस वाले प्रॉम्प्ट को आप यहाँ बढ़ा लेना, मतलब आप अगर भाई आपको 200 वर्ड का स्टोरी बनाना है तो यहाँ मैंने 7 लिखा है, आप यहाँ 7 नहीं, आप यहाँ पर 14 इमेज कर लेंगे भाई, ठीक है। कुछ करना नहीं भाई, स्क्रीन शॉट मार लेना इसको, मैं यहाँ दोनों को इस वाले प्रॉम्प्ट इस वाले प्रॉम्प्ट दोनों कॉपी स्क्रीन शॉट मार लेना। इसको सिर्फ आपको कॉपी यहाँ से भाई करना, कॉपी करने के बाद यहाँ पे आना गाइस, इसका नीचे यहाँ पे पेस्ट करना है, और भाई यहाँ पे आपको 100 या 200 वर्ड चाहिए तो आप यहाँ कर सकते हो, यहाँ रन वाले क्लिक कर देना। जैसे भाई आप यहाँ पे क्लिक कर दे तो आपके सामने हिंदी में, बिल्कुल हिंदी में यहाँ पे आपको मतलब इमेज जनरेट, यहाँ सॉरी आपको स्टोरी बनाकर यहाँ पे दे देगा, ठीक है। तो भाई मेरा यहाँ पे स्टोरी जनरेट हो चुका। अब मुझे प्रॉम्प्ट के लिए मतलब प्रॉम्प्ट जनरेट करने के लिए भाई हमको इस वाले प्रॉम्प्ट को कॉपी करना होगा। मैं कॉपी किया, नीचे यहाँ पर आऊँगा, इसको मैं पेस्ट करता हूँ। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे अगर आपको 200 वर्ड की स्टोरी चाहिए, मतलब 200 वर्ड की स्टोरी चाहिए, तो आपको यहाँ 7 है, यहाँ पे यहाँ 14 कर देना, ठीक है। और आप इस पर क्लिक कर देना, ठीक है। इस पर जैसे क्लिक कर देते हो आपके सामने देखो, मैं इमेज के लिए यहाँ पे प्रॉम्प्ट भाई जनरेट करके दे देगा भाई, ठीक है। हमें अभी हाँ मेरा स्टोरी जनरेट हो चुका, मुझे इमेज के लिए प्रॉम्प्ट भी जनरेट हो चुका, ठीक है। और हमें क्या करना का, इस कंसिस्टेंट करेक्टर के लिए हमको प्रॉम्प्ट चाहिए, ठीक है। तो प्रॉम्प्ट मेरा यहाँ पे बन चुका है। अब मुझे क्या करना गाइस, अब मुझे इस वाले प्रॉम्प्ट से मुझे इमेज को जनरेट करना भाई, ठीक है। तो भाई देखो यहाँ पे आपको क्लिक करना है, यहाँ पे इसे क्लिक करना है, यहाँ पे सिलेक्ट टेस्ट वाले कर चले जाना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना, अब यहाँ से इस तरह छोड़कर भाई आप अपना क्रोम ब्राउजर अपना ओपन कर लेना। अब यहाँ से मैं अपने गाइस क्रोम ब्राउजर अपना यहाँ से ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पे मेरा क्रोम ब्राउजर है, मैं इसको ओपन कर लेता भाई, ठीक है। क्या हमें इसको यहाँ पे सर्च में टाइप करेंगे भाई, हमको यहाँ पे लियोनार्डो एआई, ठीक है, यहाँ पे लियोनार्डो, यहाँ पे लियोनार्डो एआई, आप इस पर सर्च कर देंगे भाई, ठीक है। जैसे इसको हम सर्च करेंगे भाई, आप यहाँ पे इस पर क्लिक करोगे लियोनार्डो एआई पे, इस पर क्लिक करेंगे वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो भाई आप फर्स्ट बार जाओगे तो गूगल के थ्रू अपना अकाउंट या भाई क्रिएट कर लेना भाई, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे गेट स्टार्ट वाले क्लिक कर देना होगा, ठीक है। जैसे भाई आप गेट स्टार्ट वाले क्लिक करते हो तो मेरे सामने देखो यहाँ पे इस तरह इंटरफेस ओपन होगा भाई, भाई मेरे यहाँ सामने यहाँ पे इस तरह इंटरफेस ओपन हो चुका। अब मुझे यहाँ से थोड़ा सा जूम करता है भाई, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इमेज क्रिएटर, आप इस पर भाई क्लिक कर देना होगा, ठीक है। आप यहाँ पे भाई जैसे क्लिक करते हो भाई मेरे सामने यहाँ पे देखो इस तरह इंटरफेस ओपन हो जाएगा भाई, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या करना, कुछ सेटिंग बताता हूँ यहाँ पे क्या करना भाई आपको है। यहाँ पे जो इस अब यहाँ पे दिख रहा है आपका नाइरेशन सिस्टम करना है, या आपको शॉर्ट चाहिए शॉर्ट के लिए वीडियो इमेज चाहिए, या लॉन्ग वीडियो के लिए चाहिए, ठीक है। अगर आपको शॉर्ट इमेज के लिए वीडियो चाहिए तो आप इस पर क्लिक कर देंगे, मुझे यहाँ पे लॉन्ग वीडियो करने चाहिए तो मैं यहाँ पे नाइरेशन सिस्टम कर इसी पर रहने दूंगा भाई, ठीक है। यहाँ पर हो चुका है, और यहाँ पे कुछ सेटिंग नहीं करना भाई, ठीक है। फिर आपको देखो यहाँ पे मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ इसको, मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ इसको, और इस यहाँ मुझे प्रॉम्प्ट पेस्ट करना, प्रॉम्प्ट पेस्ट करने के यहाँ पे आपको दिख रहा है लास्ट में 3D पिक्सार स्टाइल, ठीक है। आपको भाई इसको लिख लेना होगा वीडियो प्रॉम्प्ट के लास्ट में, मैं गाइस इसको यहाँ से आल सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पे इस तरह, ठीक है। और यहाँ पे 3D पिक्सार AI को मैं यहाँ पे आपको लिख देना होगा भाई, ठीक है। मैं गाइस इसको यहाँ पे कट कर देता हूँ, ठीक है। जो मैं प्रॉम्प्ट यहाँ पे पेस्ट करूँगा वह जो मैं चलता है गाइस यहाँ पे आऊँगा, आने के बाद हमें यहाँ जो फर्स्ट वाला प्रॉम्प्ट मेरा यहाँ पे है इस वाले को मैं प्रॉम्प्ट यहाँ से कॉपी करूँगा भाई, ठीक है। मैंने भाई इसको यहाँ से कॉपी किया, यहाँ से कॉपी किया, कॉपी करने के बाद हमें यहाँ पे जाना होगा भाई, यहाँ पे इस वाले लियोनार्डो एआई पे हमको चले आना होगा। आने के बाद हमें यहाँ पे जो 3D पिक्सार स्टाइल है इसको हमको लास्ट में रखना है भाई, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे अपना प्रॉम्प्ट को आगे पे इसके आगे पेस्ट करता हूँ।
भाई मैंने यहाँ पे प्रॉम्प्ट को जैसे पेस्ट किया, देखो ऑटोमेटिकली मेरा यहाँ पे इमेज जनरेट करना स्टार्टिंग हो जाएगा भाई, ठीक है। अगर ऑटोमेटिकली नहीं होगा आपको सामने, तो आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है भाई, इस पर आप क्लिक कर दोगे तो आपका यहाँ पे जो इमेज रहेगा वो मतलब इमेज जनरेटिंग स्टार्टेड हो जाएगा भाई, ठीक है। देखो भाई यहाँ पे कंसिस्टेंट जो आपके देख रहे होगे वही मैंने यहाँ से इमेज यहीं जनरेट किया भाई, ठीक है। देखो यहाँ बिल्कुल फ्री में मैंने किया। और भाई आप इस फर्स्ट बार जाओगे तो आप यहाँ पे कम से कम 100-150 क्रेडिट आपको मिलेगा भाई। आप 6-7 इमेज यहाँ से मतलब एक स्टोरी यहाँ से हमें जनरेट कर सकते हो, ठीक है। एक स्टोरी का पिक यहाँ से जनरेट कर सकते हो भाई, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे देखो यहाँ पे कुछ मेरा यहाँ पे जनरेट होना स्टार्ट हो चुका, मेरा हो भी चुका भाई, ठीक है। हमें यहाँ पे गाइस हमको कौन सही लग रहा है हमको भाई देख लेते हैं, हमें कौन सा यहाँ हमको इमेज हमें जो देख लेंगे हम इमेज कौन सा सही लग रहा है हमको भाई, इसे सही लग रहा है, ठीक है। तो आप इसको डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर सिंबल दिख रहा है भाई, आप इस पर भाई क्लिक कर दो भाई, ठीक है। यहाँ पे जैसे आप क्लिक कर देते हो तो आपका यहाँ पे भाई इमेज जो आपको डाउनलोड हो जाएगा भाई, ठीक है। अब भाई यहाँ मेन पॉइंट है, आप यहाँ पे देखो भगाना मत यहाँ भाई, क्योंकि भाई कंसिस्टेंट हमको करेक्टर चाहिए ना। तो आपको यहाँ पे भाई थोड़ा सा आपका जूम यहाँ से कर लेना होगा, जूम करने आपको 3 डॉट यहाँ पे दिख रहा है भाई, यहाँ पे आप इस पर भाई क्लिक करोगे, ठीक है। यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करोगे और यहाँ पे कॉपी सीट या कॉपी सीट आप कर लोगे भाई, ठीक है। कॉपी सीट करने के बाद आपको थोड़ा इधर से जूम इधर लाना होगा, इसको यहाँ पे लाना होगा, ठीक है। और आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है एडवांस सेटिंग भाई, दिख रहा है एडवांस सेटिंग, आप इस पर भाई क्लिक करोगे, ठीक है। और आपको यहाँ पे भाई दिख रहा होगा यहाँ पे इस वाला, इस पर आपको क्लिक करना है, जो फ्लिक्स सीट दिख रहा है इससे आपको यहाँ पे उसके नीचे भाई है, इसको ऑन करने के लिए आप इस पर यहाँ पे नीचे होगा इस पर क्लिक करोगे और आपका जो कॉपी किया उसको मैं यहाँ पे सीट वाले पे यहाँ सीट लाइन पे यहाँ पे पेस्ट कर दोगे भाई, ठीक है। और उसके बाद कैसे जो आप ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा, यहाँ पे ऑन हो जाएगा। तो मुझे क्या करना है लाइन से, अब जिस वाले प्रॉम्प्ट का आप मुझे जो प्रॉम्प्ट दूसरा है मुझे यहाँ पे लाना होगा, ठीक है। और इसको यहाँ से मैं इसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ पूरा, इसे यहाँ पर भाई सेलेक्ट कर इसको मैं यहाँ से कट कर थ्री डी पिक्सर स्टाइल आने देना भाई, ठीक है। और आपको भाई इसको यहाँ पे ऑल सेलेक्ट कर देना, कट कर देना, ठीक है। और भाई यहाँ पे आऊँगा और मैं यहाँ पे दूसरा प्रॉम्प्ट अपना यहाँ से लूँगा भाई, ठीक है। आपको सेम आपके सामने करके दिखाऊंगा कि भाई कंसिस्टेंट करेक्टर निकल रहा है कि नहीं निकल रहा, आपके सामने यहाँ पे क्रुप के साथ दिखा रहा हूँ भाई, ठीक है। मैंने यहाँ से इसको दूसरा प्रॉम्प्ट को कॉपी किया, कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे भाई फिर से आएंगे। आने के बाद कैसे हम यहाँ पे हमारा थोड़ा सा यहाँ से बच गया था भाई, तो हमें यहाँ पे इसको डिलीट कर देना भाई, ठीक है। थोड़ा सा ये वाला लिखा हुआ बचा है मेरे पास प्रॉम्प्ट, तो गाइस मैं इसको से इसको डिलीट करता हूँ। यहाँ से डिलीट करने के बाद हमें इसको पेस्ट कर देना भाई, ठीक है। पेस्ट करने के बाद गाइस हमें स्पेस देना, स्पेस देने के बाद देखो भाई ऑटोमेटिकली मेरा यहाँ पे इमेज जनरेटिंग फिर स्टार्टेड हो चुका भाई, ठीक है। तो भाई देखो आप फर्स्ट बार जाओगे तो भाई आपको 130 केड यहाँ पे मिलने वाला है, अगर यूज कर लोगे भाई तो अपना दूसरे दिन आपको फिर 130 केड मिल जाएगा यहाँ पे भाई, ठीक है। तो पर डे आपको यहाँ पे एक स्टोरी जनरेट कर सकते हो भाई बिल्कुल फ्री में भाई, ठीक है। तो भाई यहाँ पे देखो मेरा यहाँ पे जो मेरा अभी कुछ दूसरा प्रॉम्प्ट मैंने डाला है वो वाला प्रॉम्प्ट यहाँ पे जनरेट हो रहा है भाई, ठीक है। तो भाई थोड़ा सा वेट करता हूँ भाई। तो भाई यहाँ पे देख सकते हो मेरा यहाँ पे जो इमेज है बिल्कुल कंसिस्टेंट कैरेक्टर की तरह यूज मतलब जनरेट हो चुका भाई, ठीक है। यहाँ पे देख लो भाई ये वाला, यहाँ पे इसको देख लो भाई, एक ये पहला प्रॉम्प्ट भाई, यहाँ पे दूसरा प्रॉम्प्ट भाई, ठीक है। देखो भाई कंसिस्टेंट कैरेक्टर हो रहा है कि नहीं भाई, ठीक है। तो भाई आपको यहाँ पे फिर से आना होगा, इस पर डाउनलोड करने के लिए भाई आपको यहाँ पे सिंबल दिख रहा हो भाई, ठीक है। यहाँ पे आप इस पर भाई क्लिक कर दो आपका यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा भाई, ठीक है। तो भाई जैसे यहाँ पे मैं इसको बैक करता हूँ, इसी जैसे जिस प्रोसेस से मैंने इसको बताया इमेज एडिट करने के लिए, सेम प्रोसेस से आपको भाई अपना वहाँ से कॉपी सीट पर से एक ही बार करना है जो फर्स्ट वाला प्रॉम्प्ट रहेगा भाई, ठीक है। और भाई आपको अपना यहाँ से प्रॉम्प्ट लाकर गाइस अपना यहाँ पे इमेज एडिट कर लेना भाई, ठीक है। मतलब मैं अगर सारा मतलब वहाँ से लाऊंगा प्रॉम्प्ट को भाई यहाँ से कॉपी पेस्ट करूँगा तो भाई मेरा यहाँ पे बनाऊंगा तो मेरी वीडियो यहाँ से बड़ी हो सकती है। तो भाई इसीलिए मैं यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे क्रुप के साथ कंसिस्टेंट करेक्टर जनरेट करके दिखवा दिया है। अब मुझे क्या करना है इस वाले इमेज से मुझे प्रॉम्प्ट में मुझे मतलब वीडियो कैसे बनाना, ठीक है। अब मुझे वीडियो बनाने के लिए गाइस आपको यहाँ से बैक आना होगा, ठीक है। यहाँ से बैक कर लेते हैं। बैक करने के बाद गाइस आपके यहाँ पे सर्च है, सर्च में आपको टाइप करना हो पिक्सेवर आई, यहाँ पे पिक्सेवर आई है भाई, इसको मैं यहाँ पे सर्च करता पिक्सेवर आई, ठीक है। इसको मैंने गाइस यहाँ पे सर्च किया जो बस फर्स्ट वेबसाइट हमारे सामने आ जाएगी पिक्सेवर आएगी, हमें इस पर क्लिक कर देना होगा, ठीक है। भाई जैसे आप यहाँ पे भाई क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पे देखो इस इंटरफेस ओपन होगा और ट्राई यहाँ पे ट्राई पिक्सेवर आई पे क्लिक करना होगा, ठीक है। जैसे भाई आप यहाँ पे भाई क्लिक करोगे तो भाई देखो आपको फर्स्ट बार जाओगे तो अपना यहाँ पे गूगल के थ्रू अपना अकाउंट यहाँ पे भाई क्रिएट कर लेना भाई, ठीक है। क्योंकि भाई अपना गूगल के थ्रू अकाउंट यहाँ पे क्रिएट कर दो तो आपको 130 किट आपको यहाँ से फिर से मिल जाएगा भाई, ठीक है। मिलने के बाद देखो यहाँ पे भाई आपको इमेज से वीडियो कैसे कनेक्ट करना है उसको आप यहाँ पे देख रहा है, आपको इमेज दिख रहा है इस वाले पे क्लिक करना होगा। इसे क्लिक करके आपके सामने मैं जो वहाँ से इमेज अभी को डाउनलोड किया हूँ उसको मैं यहाँ पे ऐड करूँगा, ऐड करके यहाँ पे डन कर दूंगा, ठीक है। डन करने के बाद जिस वाले प्रॉम्प्ट से मैंने इमेज को जनरेट किया उस वाले प्रॉम्प्ट को मुझे यहाँ पे पेस्ट करना है। ChatGPT ओपन करने के बाद मैं जो फर्स्ट वाला प्रॉम्प्ट गाइस है इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा, ठीक है। मैं भाई इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद गाइस हम यहाँ पे आऊँगे, यहाँ पे फिर से आ जाऊँगा, ठीक है। और यहाँ पे हमको ऐड दिख रहा है, ऐड वाले हम क्लिक करें, इसको हमको पेस्ट करना है प्रॉम्प्ट को भाई, ठीक है। क्रिएट करने के बाद गाइस भाई हमको यहाँ पे दिख रहा होगा क्रिएट दिख रहा है, यहाँ पे क्रिएट पर क्लिक करना होगा, ठीक है।
जैसे भाई हम यहाँ पे भाई क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो हमारी जो इमेज गाइस है इस वीडियो में भाई कन्वर्ट होके भी आ जाएगी भाई, ठीक है। तो भाई ये बताता हूँ आपको, यहाँ पे फर्स्ट बार जाओगे 130 क्रेडिट आपको मिलेगा भाई, ठीक है। तो भाई आप 130 क्रेडिट यहाँ पे आप यूज़ कर लोगे तो आपको भाई दूसरा ईमेल से चेंज करना होगा, फिर आपको पैसा मांगेगा भाई, ठीक है। तो क्या करना, फ्री में इसको कैसे यूज़ करना है, फ्री में यूज़ करने के लिए भाई आपको यहाँ पे जाना होगा, यहाँ पे दिख रहा लोगो दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे अपन लोगो दिख, जैसे आप लोगो भाई क्लिक करोगे तो आपके यहाँ पे लॉगआउट दिखेगा, ठीक है। जैसे भाई यहाँ पे लॉगआउट पे भाई क्लिक कर लोगे तो अपना यहाँ पे दूसरा ईमेल डालकर भाई आप इसको फ्री में यूज कर सकते हो भाई, ठीक है भाई, बिल्कुल फ्री में यूज कर सकते हो भाई, ठीक है। तो भाई थोड़ा सा वेट करता हूँ, मेरा यहाँ पे वीडियो इमेज से वीडियो कनेक्ट हो रहा है, थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ। तो भाई देखो मेरा वेट करने के बाद भाई मेरा यहाँ पे वीडियो बन के तैयार हो चुका है मेरे भाई, ठीक है। तो भाई यहाँ पे देख लो मेरा इमेज से वीडियो कन्वर्ट हो चुका है, हम इसको डाउनलोड करने के लिए भाई यहाँ पे दिख रहा है आपको डाउनलोड वाला, ठीक है। इस पर लिखा जाएगा आप इस भाई जैसे क्लिक कर दोगे तो भाई आपको यहाँ पे वीडियो जो डाउनलोड हो जाएगी भाई, ठीक है। तो भाई यहाँ पे आप सभी जैसे सेम प्रोसेस से भाई आपको अपना इमेज और प्रॉम्प्ट लगाकर यहाँ पे पेस्ट करना है और यहाँ से वीडियो बनाकर अपना निकाल लेना भाई, ठीक है। आप ऐसे भाई निकाल लोगे, उसके बाद भाई देखो अब मैं आपको सिखाऊंगा कि वीडियो कैसे एडिट करते हैं, जो कि यहाँ से आपको फर्स्ट में देखे थे वीडियो स्क्रीन पे, उसी वीडियो को मैं फिर से यहाँ पे एडिट करके दिखाऊंगा कि कैसे आपको एडिट कैसे करना है भाई, ठीक है। मैं गाइस इसको यहाँ पे स्क्रॉल कर लेता हूँ, स्क्रॉल करने के बाद कैसे आपका एक एप्लीकेशन है कैपकट एप्लीकेशन, ये यार भाई बहुत बढ़िया है, ठीक है। बिल्कुल फ्री में आपको बैकग्राउंड म्यूजिक हर चीज़ देगा, बिल्कुल फ्री, बिना कॉपीराइट आपको आएगा भाई, ठीक है, कॉपीराइट नहीं आने वाला भाई, ठीक है। तो भाई आपको कैपकट एप्लीकेशन यहाँ पे इसको यूज करने के लिए भाई आपको क्यूक वीपीएन चाहिए, क्यूक वीपीएन वहाँ से प्ले स्टोर से मिल जाएगा भाई, आपको डाउनलोड करना है यहाँ पे क्यूक वीपीएन भाई है, ठीक है। तो गाइस मैं इसको ओपन कर लेता हूँ भाई। ये क्या करता है कि कैपकट एप्लीकेशन को भाई सर्वर देता है, क्योंकि भाई इंडिया में बैन है कैपकट एप्लीकेशन, इसलिए सर्वर उसको देता है भाई, ठीक है। पेज ओपन इस तरह ओपन होगा भाई, आपको यहाँ पर डन पे भाई क्लिक, यहाँ पे बटन पे भाई क्लिक करोगे, ठीक है। तो भाई यहाँ पे अभी देख लेगा यहाँ पे कनेक्टेड हो चुका है, ठीक है, कनेक्टेड यहाँ लिखेगा कनेक्टेड हो चुका। तो आपके यहाँ से अगर भाई आपके सामने यहाँ पे ऐड आएगा तो भाई आपको यहाँ पे ऐड देख लेना, नहीं तो भाई आपको यहाँ पे पूरा कट कर देना। कट करने के बाद आपको कैपकट एप्लीकेशन का इस यहाँ से ओपन कर लेना होगा, ठीक है भाई। कैसे अब स्टोरी से आइडिया पर कैसे कनेक्ट करोगे अभी बताऊँगा भाई, ठीक है। फिर फुल वीडियो वॉच करना भाई लोग, आप फिर यहाँ तक आ गए तो फुल वीडियो वॉच कर लो यार भाई, ठीक है। तो भाई मेरा यहाँ पे कैपकट एप्लीकेशन ओपन हो चुका है भाई, हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे दिख रहा है भाई यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट, हम किस पे भाई क्लिक करना है, ठीक है। जैसे भाई यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट वाले हम क्लिक करेंगे तो मेरे सामने यहाँ पे जो मेरा प्रोफाइल भाई है वो खुलकर आ जाएगी। तो भाई यहाँ पे देखो मेरी प्रोफाइल खुलकर आ गई है, प्रोफाइल खुलकर आ गया, मुझे क्या करना है जो गाइस मैंने जो वीडियो अभी को वहाँ पे इमेज से वीडियो में जो स्टोरी आप देखे तो उस स्टोरी को मैं यहाँ पे एडिट करके दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो भाई उस स्टोरी को एडिट करने के लिए भाई हमें देखो यहाँ पे मेरा साथ यहाँ पे वीडियो था, मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट करूँगा भाई, ठीक है। मैं अपने यहाँ पे वीडियो को सभी वीडियो के यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो भाई आपसे मिलता हूँ। मैंने यहाँ पे अपना वीडियो के यहाँ पे ऐड कर लिया, ऐड करने वाले ऐड वाले भाई क्लिक कर देना होगा, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे भाई ऐड वाले क्लिक किया तो मेरे सामने यहाँ पे एडिट करने के लिए इस तरह पेज ओपन होगा। मैं क्या करना है भाई आपको जो फर्स्ट वाला यहाँ पे दिखा बता दूँ आपको, यहाँ पे दिख रहा है पिक्सर या ठीक है, लोगो दिख रहा है उसका लोगो वीडियो पे। अब इसको कैसे लोगो कैसे हटाना, हटाने के लिए आप थोड़ा सा स्क्रॉल यहाँ पे करेंगे, स्क्रॉल जैसे करेंगे स्टिकर दिख रहा है भाई, आप स्टिकर पे भाई क्लिक कर दोगे, ठीक है। जैसे भाई स्टिकर पे क्लिक करोगे आपके सामने पे बहुत सारा स्टिकर आ जाएगा, और भाई आपको किसी एक स्टिकर यहाँ से ले लेना, जैसे इसमें यहाँ पे लाइक वाला दिख रहा है, मैं यहाँ पे लाइक वाले ले लूँगा, लाइक वाले, ठीक है, लाइक वाले जैसे ले लेंगे हमें इस पर क्लिक कर देना, उसको हम थोड़ा छोटा कर लेना है, यहाँ पे छोटा मैं इसको कर लेता हूँ भाई, ठीक है। छोटा करने के बाद हम इसके साइज हमको यहाँ पे एडजस्ट कर देना है, यहाँ पे लगा कर हमको कि हमारा वाटर मार्क यहाँ पे दिखे ना भाई, ठीक है। मैं कहीं इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर आप ऐसे कर लेंगे, और उसके बाद यहाँ पे राइट दिख रहा है, राइट आपको क्लिक कर देना, ठीक है। राइट जैसे आप क्लिक कर देंगे उसके बाद जैसे आपको इसका जो लोगो यहाँ पे दिख रहा है इसका लेंथ है, इसको आपको वीडियो के लास्ट तक यहाँ पे रख लेना होगा, ठीक है भाई। मैं ऐसे वीडियो के लास्ट तक यहाँ पे रख लेता हूँ, यहाँ पर इसको रख लिया है। रखने के बाद कुछ यहाँ पीछे आएंगे, वाटर मार्क दिख रहा है कैपकट एप्लीकेशन का, इसको हम डिलीट इस पर क्लिक करेंगे और भाई हम यहाँ से इसको डिलीट कर देंगे, ठीक है। डिलीट करने के बाद हमें फर्स्ट में गाइस फिर से आना है, अपने वीडियो को हमको शेडो यहाँ पे ब्लैक शेडो लगाना है। ब्लैक शेडो लगाने के लिए गाइस हम यहाँ पे शेडो इफेक्ट लगाना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे शेडो इफेक्ट लगाने के लिए गाइस आपके पास दिख रहा है यहाँ पे प्लस माइनस वाले क्लिक करना है, क्लिक कर जैसे आप करेंगे भाई माइनस पे क्लिक तो आपके सामने यहाँ पे देखो भाई ओवरलेप, आपके सामने यहाँ पे देखो ब्लैक फेड दिख रहा है, ब्लैक फेड को फर्स्ट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद गाइस आपको इसका जो लेंथ है आपको यहाँ पे कम से कम एक यहाँ पे एक सेकंड कर लेना होगा। मैं यहाँ पे एक सेकंड करने के बाद यहाँ से और अप्लाई टू आर यहाँ पे दिख रहा है आप इस पर भाई क्लिक कर दोगे, ठीक है। और आप राइट क्लिक कर दोगे तो भाई जैसे क्या करेगा आपको जो आपको जहाँ वीडियो आपका चेंज होगा वहाँ से थोड़ा सा ब्लैक होगा भाई, ठीक है। देखो मेरा ब्लैक हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो आप इसी तरह आपके यहाँ पे ब्लैक हो जाएगा भाई। यहाँ पे मैं दो चीज़ मेरा यहाँ पे कंप्लीट हुआ, ठीक है। कंप्लीट होने के बाद हमें यहाँ पे बैकग्राउंड म्यूजिक लगाना, बैकग्राउंड म्यूजिक लगाने के लिए गाइस आपको थोड़ा स्क्रॉल यहाँ पे करना होगा और भाई यहाँ पे आइडियो दिख रहा है आपको आइडियो पे क्लिक कर देना होगा, ठीक है। और यहाँ पे दिख रहा है आपका इफेक्ट, आप यहाँ पे भाई इफेक्ट वाले क्लिक करोगे, जैसे भाई यहाँ पे इफेक्ट क्लिक करोगे आपके सामने बहुत सारा यहाँ पे बैकग्राउंड म्यूजिक आ जाएगा, बिल्कुल फ्री है यहाँ पे भाई है। और यहाँ पे आप यूज कर सकते हो बिल्कुल फ्री में भाई, ठीक है, फ्री में यूज कर सकते हो। तो भाई मैं यहाँ पे कोई यहाँ पे इसी पे मतलब बीजीएम पे जाने के बाद मैं कोई यहाँ से स्टोरी मतलब बैकग्राउंड में यहाँ पे म्यूजिक ले लेता हूँ कोई, जैसे भाई हमको यहाँ पे सही लग रहा है हम इसे भाई प्लस करना, प्लस वाले क्लिक कर देना, ठीक है।
प्लस पे क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे जितना रखना होगा मैं यहाँ पे रख लेता हूँ आपको। मैं जैसे मेरा यहाँ पे 2 मिनट का गाइस, मैं इसको लास्ट तक रखूँगा भाई, ठीक है, यहाँ तक रख लिया भाई, ठीक है। आप यहाँ भाई छोटे छोटे पार्ट में वही रख सकते हो। मैं इसको यहाँ पे स्प्रेड करूँगा और यहाँ पे भाई डिलीट करूँगा, ठीक है। मैं भाई मतलब मेरा वीडियो काफ़ी बड़ी ना हो पाई, मैं इसीलिए भाई आपको एक ही यहाँ पे लगाया हूँ। आप यहाँ पे बहुत सारे मतलब आएंगे, यहाँ पे आएंगे और इस पर क्लिक करेंगे भाई, जैसे आप यहाँ क्लिक करना है स्प्लिट कर देंगे और भाई आपको फिर इधर आना होगा। आपको इस बीच वाले पार्ट को उड़ाना चाहते हैं, इस यहाँ पे आना, स्प्लिट करना और इस वाले क्लिक यहाँ पे इस पर डिलीट कर देना भाई, ठीक है। और यहाँ पे आपको दूसरा कोई लगाना होगा, आप यहाँ पे आएंगे फिर से भाई इफेक्ट वाले पे जाएंगे। इफेक्ट जाने के बाद आपको यहाँ पे कोई और एक लेना होगा भाई, इसको लेते हैं प्लस भाई, क्लिक कर दिया, ले लिया, ठीक है। और आपको यहाँ पे पार्ट यहाँ इसका जो बटन है इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे स्प्लिट कर देंगे, यहाँ पे भाई डिलीट कर देंगे भाई, ठीक है। और इसको यहाँ पे इसको अंदर कर देंगे भाई, ठीक है। इस तरह नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं भाई है, इतना रहने देना, ठीक है। तो भाई मेरा यहाँ पे इस तरह यहाँ पे कुछ इतना लग गया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, जो मेरी स्टोरी है उसको एडिट में कैसे कन्वर्ट करके यहाँ पे आवाज़ को लगाना, ठीक है। उसको लगाने के लिए गाइस आपको यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल करना होगा और आपको कैपकट एप्लीकेशन आपको यहाँ पे दिख रहा है क्रोम ब्राउजर अपना ओपन कर लेना होगा, ठीक है भाई। यहाँ पे सर्च में आने के बाद हमें यहाँ पे सर्च में टाइप करना होगा भाई 11 लैब्स, यहाँ पे दिख रहा है भाई 11 लैब्स, हम इस पर सर्च कर लेंगे भाई, ठीक है। आप इसको भाई सर्च कर लोगे भाई, उसका फर्स्ट वेबसाइट आपके यहाँ फर्स्ट नहीं, यहाँ पे नीचे वाला भाई है 11 लैब्स, इस पर आपको क्लिक करना, ठीक है भाई। यहाँ पे इसको क्लिक करते हो तो भाई आपका फ्री में यहाँ पे अनलिमिटेड यहाँ पे निकाल सकते हो अपने आइडियो भाई, कन्वर्ट कर सकते हो वीडियो स्टोरी को, अपने आइडियो कन्वर्ट कर सकते हो भाई, ठीक है। मैंने भाई यहाँ से क्लिक किया और भाई आप फर्स्ट बार जाओगे तो अपना गूगल के थ्रू अपना अकाउंट है आप भाई क्रिएट कर सकते हो भाई, ठीक है। गूगल के थ्रू अपना अकाउंट है भाई क्रिएट कर लेना भाई, ठीक है। तो भाई मेरे सामने यहाँ पे देखो कुछ इस तरह इंटरफेस ओपन हो चुका भाई, ठीक है। तो हमें यह करना भाई, यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे पहले से पेस्ट किया था, ठीक है। तो भाई मैं यहाँ से इसको कट करता हूँ भाई, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे इसको ऑल सेलेक्ट यहाँ से कर लूँगा भाई, यहाँ पे जैसे इसको मैंने यहाँ से किया है, मैं भाई इसको ऑल सेलेक्ट यहाँ से कर लेता हूँ भाई, ठीक है। यहाँ से मतलब यहाँ तक मैंने इसको कट किया भाई, ठीक है। और फिर से मैं यहाँ से ऑल सेलेक्ट यहाँ तक लास्ट तक कर लूँगा भाई, यहाँ तक इसको भाई यहाँ तक लास्ट तक कर दिया, इसको कट कर दिया, ठीक है। अब मुझे कहीं अपने यहाँ पे चैट जीपीटी में जाना होगा, ठीक है। जो मैंने स्टोरी अभी को वहाँ पे जनरेट की थी, जो स्टोरी आपने देखा था उसी स्टोरी को मुझे यहाँ से कॉपी किया करना भाई है, ठीक है। तो भाई मैं आज इसे यहाँ इस पर क्लिक करना, 3 डॉट पे इस पर क्लिक करना और यहाँ पे चला जाऊँ कहानी वाले पे, और यहाँ पे मैं ऊपर वाला मैं यहाँ स्टोरी में चाहिए इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा ऐसे, सॉरी मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद हमें यहाँ पे आना होगा, आने के बाद हमें इस पे यहाँ से पेस्ट करना होगा, ठीक है। तो भाई जो स्टोरी मैंने अभी कॉपी किया यहाँ से मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, मैं इसको यहाँ पे देखो भाई पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना भाई, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे तो अगर भाई अपना आवाज़ चेंज करना चाहते हो तो आप इस भाई व्हील दिख रहा है आप इसे भाई क्लिक करोगे, ठीक है। तो भाई आपके सामने यहाँ पे बहुत सारा स्टोरी यहाँ पे बहुत सारा आवाज़ यहाँ पे मिल जाएगी भाई, ठीक है। नीचे से लेकर फाइंड वाला फाइंड मोड दिख रहा है आपको, यहाँ पे इस पर क्लिक करना है और आपके सामने पे अनलिमिटेड यहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पे साउंड मिल जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ से लगा सकते हो बिल्कुल फ्री में, आपको आवाज़ अपने जो आपका आवाज़ यहाँ पे पसंद रहेगी भाई आप इस पर भाई क्लिक कर दोगे वो ऐड हो जाएगा भाई, ठीक है। तो जो भाई मेरे को ऐड करनी है मुझे यहाँ से बैग में यहाँ से गाइस बैग कर लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। तो भाई आपको यहाँ क्या करना है, आपको यहाँ पे भाई देखो आपको इसे जो व्हील दिख रहा है व्हील वाला आपको इसको ही सिलेक्ट करना है भाई, ठीक है। आप ये आवाज़ सही हो रही है, बढ़िया रहेगा इसका। मैंने यहाँ पे भाई पेस्ट कर दिया, इसको यहाँ पे देखो पेस्ट किया, पेस्ट करना भाई जरेट वाले क्लिक कर देना होगा, ठीक है भैया। जैसे मैं यहाँ पे जरेट क्लिक करता हूँ मुश्किल से हमारा यहाँ पे 10 सेकंड लगेगा भाई, और मेरे यहाँ पे भाई जो ऑडियो से वीडियो में ऑडियो में कन्वर्ट हो जाएगा भाई, जंगल में। तो भाई यहाँ पे देख सकते हो मेरा यहाँ पे जो ऑडियो मतलब स्टोरी था वो ऑडियो में कन्वर्ट हो चुका है भाई, ठीक है। हमें इसको डाउनलोड कर लिया, हमको डाउनलोड करके यहाँ पे सिंबल दिख रहा है आप इसे भाई क्लिक कर देंगे, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे भाई क्लिक करते हैं इस पे तो हमारा यहाँ पे जो भाई रहेगा वो ऑडियो रहेगा वो डाउनलोड हो जाएगा भाई, देखो भाई डाउनलोड हो चुका है भाई, ठीक है। तो भाई हमें इसका काम खत्म हो गया, हमें चलना होगा गाइस यहाँ पे मेरा यहाँ पे कैपकट एप्लीकेशन, मैं इसको ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद हमको यहाँ पे बैक आना, बैक आने के बाद हम पूरा प्रोसेस से बता रहा हूँ भाई, आपको यहाँ पे ऑडियो क्लिक करना, ठीक है। और आपको भाई यहाँ पे दिख रहा है साउंड, आप इसे साउंड वाले भाई क्लिक करोगे, ठीक है, ऐड करने के लिए साउंड को ऐड उस पर क्लिक करोगे। और भाई आपको यहाँ पे आना होगा फाइल वाले पर आना होगा, यहाँ पे फ्रॉम डिवाइस दिख रहा है, फ्रॉम डिवाइस आना होगा भाई, ठीक है। और यहाँ पे भाई आपको जो सर्च है आपको सिर्फ 3 चीज लिखना है, ELE आप लिखेंगे भाई तो आपका यहाँ पे देखो भाई बिल्कुल फ्री में यहाँ से 11 लैब से बिल्कुल फ्री में यहाँ से मतलब ऑडियो बहुत ज़्यादा जनरेट किया भाई, देख लो भाई बहुत सारा ऑडियो फ्री में जनरेट किया वहाँ से, स्टोरी मैंने बनाया था बहुत सारी स्टोरी यहाँ से बस किया था भाई, ठीक है। और भाई यहाँ पे देखो मेरा यहाँ पे 11 लैब्स वाला है, यहाँ पे कुछ आ गया होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो कहाँ आ गया मेरा, यहाँ पे मेरा 41 सेकंड का भाई यहाँ पे आ गया, ठीक है। आप देख सकते हो, इसको एक बार सुना देता हूँ आपको। एक दिन आरव और उसकी दोस्त रिया, तो भाई मेरे यहाँ पे यही वाले ऑडियो है, मैं इसे प्लस पे क्लिक करूँगा भाई, ठीक है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारा देखो भाई यहाँ पे ऑडियो यहाँ पे लग चुका है भाई, ठीक है। तो भाई अब मैं बताता हूँ आपको, अगर आपकी वीडियो थोड़ा सा ऑडियो से आगे पीछे रहेगी तो आप उसको अपने हिसाब से भाई एडजस्ट कर लोगे भाई, ठीक है। तो मैं आपको एक बार दिखाता हूँ मेरे यहाँ पे वीडियो भाई कैसी बनी, यहाँ पे एक बार मेरा वीडियो यहाँ पे देख लो भाई लास्ट तक पूरा प्लीज भाई, ठीक है। एक दिन आरव और उसकी दोस्त रिया जंगल में खेलने गए, अचानक उन्हें एक चमकता हुआ पत्ता मिला जो जादुई था। जैसे ही उन्होंने पत्ते को छुआ वे एक रहस्यमय दुनिया में पहुंच गए जहां पेड़ बात करते थे और जानवर गाने गाते थे।
जहां उनकी मुलाकात एक शरारती खरगोश से हुई, जिसने उन्हें बताया कि अगर वे छुपे हुए खजाने को ढूंढ लें, तो वे वापस अपने घर जा सकते हैं। आरव और रिया ने हिम्मत दिखाकर खतरों का सामना किया और खरगोश की मदद से खजाना ढूंढ निकाला। आखिरकार वे सुरक्षित घर लौट आए, लेकिन उनके दिलों में इस भाई यहाँ पे देखो मेरा यहाँ पे इस तरह बना मेरा यहाँ पे आइडिया एक मतलब आइडियो मेरा था भाई मतलब बच गया भाई ठीक है। यहाँ पे थोड़ा आइडिया हमारा ज़्यादा हो चुका है तो हमें कुछ नहीं करना। मैंने यहाँ पे सात ही मतलब मैं यहाँ पे सात वीडियो ऐड किया था भाई ठीक है। अब भाई जो यहाँ पे जो प्रोन्ट में लिखा था सात प्रोन्ट भाई वहाँ भाई आठ कर लेंगे तो आपका आठ मिल जाएगा। तो भाई आपको यहाँ पे एक जो आपका यहाँ पे वीडियो रहेगा पाँच सेकंड का यहाँ पे भाई एडजस्ट कर लेगा भाई ठीक है। तो मेरा मैं यहाँ से भाई इसकी स्प्लिट करता मेरा मुझे इतना ही लेना है इसको यहाँ स्प्लिट किया और इसको भाई यहाँ पे स्प्लिट यहाँ से यहाँ पे डिलीट कर दिया भाई ठीक है। तो वीडियो मेरा यहाँ पे कुछ इस तरह बनी भाई ठीक है। हमको भाई इसको सेव करने के लिए हम इससे यहाँ पे दिख रहा सिंबल इस पर क्लिक करेंगे। जैसे भाई यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो हमारे यहाँ पे वीडियो स्पोर्टिंग स्टार्टेड हो जाएगी भाई ठीक है। तो भाई एक छोटी रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे भाई लोग अभी बीच में नहीं क्या भाई आप कह रहा हूँ भाई लोग ठीक है। अगर भाई आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई क्योंकि भाई आपका भाई रोजाना से कार्टून वीडियो लाता है नए नए तरीके लाता है भाई ठीक है। आप इस तरह का सीख कर भाई कॉपी मतलब अपना यूट्यूब पे चैनल मतलब बनाकर भाई काफ़ी सारा पैसा अर्न कर सकते भाई। मैं हमेशा आपके साथ रहूँगा ठीक भाई। कमेंट करना कोई दिक्कत हो मुझे तो कमेंट कर देना आपका भाई रिप्लाई 100% भाई करने वाला भाई ठीक है। मैं सभी का यहाँ पे रिप्लाई देखता हूँ भाई ठीक है। तो भाई यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आज की वीडियो तक। जय हिंद मेरे भाइयों।